हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल और स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज की अगली वीडियो। मैंने इसमें ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप लोग उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वाला वीडियो और ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना ट्यूटोरियल को। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूलों को, कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे ट्यूटोरियल की ओर और जानते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एटसेट्रा, इस तरह का कैलकुलेशन होने वाला है। और ऑपरेटर यानी कि जो हमें सहायता करने वाला है, यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर। नाम से तो क्लियर हो गया कि किस तरह का चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहले मैं हेडिंग लगा ले रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसे, वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सबको हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस प्लस वाले साइन की, ठीक है, इसे प्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सभी लोग, मैं जो जो भी सिंबल बताने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इससे परिचित होंगे। अगर फिर भी आप लोग किसी सिंबल का नाम समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें या स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हाँ, हमारे ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से जाकर आप लोग ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप डायरेक्टली नोट्स के तौर पर वहाँ से नोट कर सकते हैं, उतार या प्रिंट आउट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियोस को लेकर चलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग एडिशन, एडिशन इसे बोलते हैं एडिशन, सभी लोग जान रहे होंगे। ये हमारा है माइनस का सिंबल, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। और ये प्रोडक्ट का साइन है, स्टार वाला, ठीक है, ये हमारा स्टार वाला प्रोडक्ट का साइन है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं डिवीजन वाला, यहाँ से हम लोग डिवीजन वाले साइन में आ जाते हैं, ये हमारा डिवीजन, जिसको ऑब्लिक स्लैश आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं, पर यहाँ पर ये डिवीजन का साइन है, ये हमारा ऑपरेटर्स का नाम हो गया, ये डिवीजन वाला काम करने में आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सिंबल है ये परसेंट, ठीक है, ये परसेंट निकालने का काम में आएगा, ये परसेंट हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर बोले तो फैक्टर जिसको बोल सकते हैं, पावर यानी कि जो फैक्टर निकालने का काम में आता है, फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, पावर यानी कि फैक्टर, यानी कि जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यानी स्क्वायर क्यूब जैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको फैक्टर बोलते हैं, तो ये पावर या फैक्टर भी कह सकते हैं। और भी आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे, लेकिन जो बेसिकली मुझे जानना है बेसिक यूज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए या डाटा एंट्री वर्क के लिए, वो ये सब सिंपल काफी यूजबल है और हमेशा हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है। धीरे धीरे मैं आपको और भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा, पहले इन सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को काफी अच्छे से देखते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो सिंबल है ये आपका प्लस का साइन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। ये हमारा जो सिंबल है इसे, ये माइनस का साइन है, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और ये हमारा जो सिंबल है ये हमारा है, ये स्टार का साइन है यानी प्रोडक्ट का साइन है,
इसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं हम लोग। और ये हमारा है ऑब्लिक, यानी कि बाय डिविजन, जो भी बोले आप, ये हमारा डिवीजन का साइन है, डिवीजन ऑपरेटर कर सकते हैं इसको। ये हमारा परसेंटेज का साइन है, ये हमारा परसेंटेज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं परसेंट। और ये हमारा है फैक्टर, यानी कि पावर का साइन है, यानी कि ये पावर या फैक्टर ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में जान लिए, अब इन सब का हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। सब ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल मैं जस्ट सामने सामने लिख दे रहा हूँ, वो आप देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लस का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कि मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ। पहला है प्लस ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से लिख, सबसे पहले किसी फंक्शन को लिखने के लिए मैंने बताया होगा इक्वल साइन यूज करते हैं, यहाँ पर इक्वल साइन लिखना है, और प्लस यानी कि एडिशन जोड़ने के काम में आएगा, ये 10+ मान लिया 12। ठीक है, तो जो आउटपुट आना चाहिए आपको यहाँ पर वो आउटपुट मिलेगा। जैसे ही इंटरप्रेस किया, ठीक है, देखिए 22 बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद फिर से मान लीजिए इक्वल साइन लिखे, जो भी 5+7, फिर से यहाँ इंटरप्रेस करेंगे, ये हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी मैं इसे यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वल 5+7 कर लेते हैं, रिजल्ट 12 आएगा। यहाँ से और भी लेकर चल सकते हैं हम लोग, इक्वल जितना अमाउंट का भी आपको लेना है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर देगा तुरंत। तो ये हमारा हो गया एडिशन का एग्जाम्पल, एडिशन का एग्जाम्पल आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ से अगला है सब्ट्रैक्शन वाला, जस्ट सेम इक्वल 22-12, यहाँ से रिजल्ट 10 आ रहा है। अब सोच रहे होंगे कि 12-22 भी हम कर सकते हैं, रिजल्ट -10 आएगा। जो सिंपली हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, वो सारा कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। अभी यहाँ से प्रेस करते हैं इक्वल साइन कीबोर्ड से, ठीक है, और यहाँ से 4-5-10 ले लीजिए, 35 आ रहा है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन के एग्जाम्पल में, यानी कि अब यहाँ लिखना है इक्वल 14 और स्टार यहाँ से 2, रिजल्ट 28 आ गया। इक्वल 14 स्टार मान ली 58, रिजल्ट 812 आ गया। इक्वल 5:2 कर देते हैं, 10 आ गया। यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वाले साइन का यूज करते हैं। अगला है डिवीजन, अब मुझे भाग देना है, तो इक्वल 12/3 कर सकते हैं, रिजल्ट में 4 आएगा। फिर से मैंने इक्वल 102/3 कर सकते हैं, रिजल्ट 34 आएगा। फिर से यहाँ से इक्वल का साइन मान लिया 45/2 कर सकते हैं, रिजल्ट पॉइंट में आएगा। ठीक है, जो कुछ भी है रिजल्ट जैसा है वैसा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब परसेंटेज के बारी आती है, परसेंटेज से कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए हम लोग निकाल सकते हैं इक्वल 12%। 12% का वैल्यू क्या होगा वो देखना है, तो परसेंट का साइन इंटर करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ ये ऊपर से न्यूमेरिक बटन में जो परसेंटेज का उसे यूज करना होगा। ठीक है, तो ये 12% लिखते हैं, रिजल्ट देगा 1.2। इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, इससे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 12/100 करते हैं ना, तो हमारा परसेंटेज आता है 1. यानी कि 0.12। तो इस तरह से हम लोग इक्वल जितना भी परसेंट निकालना हो, मान लिया कि 500%, 500% मतलब 5 रुपीज़। ठीक है, इक्वल मान लिया 1.25% निकाल लेते हैं, इसका 0.125 आ गया रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बारी आती है फैक्टर की, पावर की। जैसे हम लोग स्क्वायर निकालना होता है, मान लिया कि 12 का स्क्वायर, तो 12 फैक्टर का साइन दीजिए और 2, यानी कि 12 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 हो गया, यानी कि 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इंटरप्रेस करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा किया हूँ कि अभी आपको दिखाऊं कि क्या है, अगर हम लोग इक्वल साइन नहीं लिखेंगे तो ये ऑपरेटर हमारा काम नहीं करेगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, है ना, आगे इक्वल। अब इंटरप्रेस करते हैं, देखिए
12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आ गया। उसी प्रकार से मान लिया इक्वल 5 का पावर, ठीक है, यानी 5 का प्रोडक्ट 2, यहाँ पर देखिए 25 आ जाएगा, इक्वल 19 का पावर आप 3 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वल 19 का पावर 3 भी कर सकते हैं, देखिए जितना आएगा, यानी कि ये होता है फैक्टर का साइन। ये साइन जो होता है आपका, ये होता है क्या, फैक्टर का साइन, यानी कि किसी भी डिजिट पे कितना भी फैक्टर आप लगा सकते हैं, यानी कि ये फैक्टर का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जान गया कि ऑपरेटर्स बेसिक कौन कौन से हैं और इसका यूज कैसे है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी। इसका यूज आगे जा करके हम लोग जब किसी तरह का कोई डेटा बेस कैलकुलेशन करेंगे, डेटा एंट्री का काम करेंगे, या मार्कशीट तैयार करना हो, किसी का पेपर का रिजल्ट तैयार करना हो, ठीक है, उस तरह का जो भी काम होता है, इससे सारा कुछ होगा। ऐसे सिंपली एक लंबा सा फॉर्मूला में मान लीजिए ऑपरेटर्स है कि इक्वल 2 + 3 = 2 + 3 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से करके, मतलब मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक साथ हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल मान लीजिए ब्रैकेट शुरू करते हैं, 2 + 3, ये हो गया स्टार, मान ले जाए यहाँ पर दे दे रहा हूँ मैं 6, अब इंटर। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि अभी हम मल्टीपल्स ऑपरेटर्स को एक साथ कंबाइंड करके फॉर्मूला निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, और जो कुछ भी होगा डाटा सेट का कैलकुलेशन निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, जिसका उपयोग आगे जाके हमें बहुत पड़ने वाला है। तो ये रहा आज का बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो कि इसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें ताकि आप इसे अच्छे से अच्छे सीख सके, तो प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो आपको फिर से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप वीडियो से कुछ सीखे हो, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोज बनाने में। तो बने रहे आपने यूट्यूब चैनल और स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑपरेटर्स और फंक्शन के साथ।